एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादीप में। कैसे हो आप सब? सॉरी प्रियादीप ब्लॉग में कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है, मैं मेरे भाई के तिलक की प्रिपरेशन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और मैं भी तिलक का भी वीडियो हो, इसमें मुझे आइडिया नहीं है। सबसे पहले आप लोगों से कुछ चीज़ बोलना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि अब तो भाई की शादी भी हो गई होगी, अब इतने पुराने वीडियोज़ क्यों डाल रहे हो? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं गाँव में हूँ, मेरे गाँव में नेटवर्क प्रॉब्लम इतने ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर हमारा वीडियो अपलोड पर लगा हैं तो दो दिन हो जाता है मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। सो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड शादी थी ऑब्वियसली, तो हम तुरंत ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम सिर्फ यूट्यूब के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फैमिली फंक्शन है तो हमें, हम बड़े हैं, हमारी भाभी बड़ी है, वो बड़ी बहू है और मैं बड़ी बेटी हूँ, तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए। मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ लेकिन आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे दी विंटर आ गई है तो आप कुछ अच्छा लिप ग्लॉस बताइए। मैं एक्चुअली लिप ग्लॉस ही यूज़ करती हूँ मेरे ब्लॉग के, तो आपको समझ में आता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लिप ग्लॉस। कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप डेली लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद करती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप इस लिप ग्लॉस को ट्राई कर सकते हैं। सो मैं बात करी हुई एनवाइवे का ग्लॉस, ग्लिटर लिप ग्लॉस के बारे में। मेरे पास टोटल 3 शेड्स हैं, एक है 1 नंबर 2 नंबर एंड 5 नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, वेरी रेयर। तो ये है वेरी रेयर और जैसा कि मैंने आपको बताया फर्ली फिनिश है, लाइट वेट है, मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करती है और कुछ इस तरीके की लिपस्टिक है। देखने में बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रही है बट ग्लॉस है, ग्लिटरी ग्लॉस। तो और यहाँ पर जितने शेड हैं सारे मेरे फेवरेट हैं। इसमें और सारे कलर ऑप्शन हैं, तो आप देख सकते हैं पर्पल पे, अभी विंटर है तो जितना ज़्यादा हो आप लिप ग्लॉस ही लगाएं, लिक्विड लिपस्टिक से दूर रहें, अदरवाइज लिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ 1 नंबर। सबसे पहले आप देख लीजिए पैकेजिंग, एन वाई वे का कुछ इस तरीके से पैकेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग है इसकी। कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है ये आउटर वाली और ये है पीच प्ले। 2.8 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है, ग्लॉसी फिनिश देता है, फर्ली फिनिश देता है, लाइट वेट है एंड नॉन स्टिकी है और लो टू मीडियम मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो चलो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। लिप ग्लॉस आप लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से है ग्लॉस, ग्लिटर लिप ग्लॉस। इन दिनों ना ग्लॉसी लिप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सबसे पहले हम इस कलर को उठा रहे हैं और ये देखिए पहले बात ना इतना ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। वाह देखिए बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट सा फील हो रहा है। सो इस कलर को आप ट्राई कर सकते हो, इस लिपस्टिक को आप इस लिप ग्लॉस को लिपस्टिक के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हमारे सेकेंड नंबर की तरफ जो कि है पिंक मेलन और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देखिए डार्क पिंक है। ऐसे आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को लग रहा है, देख रहे होंगे तो लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा डार्क है, बट मैं भी आपको लिप पे लगा के दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। लिप ग्लॉस आपको पता ही है कि इतने कलर में नहीं आता है। इस शॉट में और इस शॉट में आपको अंतर दिख रहा होगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, विंटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, ये जो लिप ग्लॉस है इनका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, विंटर स्टार्ट हो गई है तो जितना ज़्यादा हो ना आप अपने लिप को हाइड्रेट रखें ताकि क्रैक ना हो, आपकी लिप ड्राई ना हो। अगर आपकी लिप ड्राई रहेंगे तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आप लिपस्टिक जितना ज़्यादा पॉसिबल होना बुलेट लिपस्टिक लगाएं, फिर लिप ग्लॉस लगाएं, लिक्विड लिपस्टिक से दूर रहें। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर।
हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादीप ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो आज है 28 नवंबर, दोपहर के बज रहे हैं 1:55 और अभी जस्ट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है मेरे भाई का तिलक, सो सजावट अभी स्टार्ट हो गई है। अभी नहीं, सजावट 4-5 घंटे पहले से ही स्टार्ट है, बट इतना बड़ा टेंट लगा हुआ है कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर इसके बाद दिखा दूँगी आपको प्रोसेस जो इस सब चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और मेरे भाभी के चैनल पे भी आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज तिलक में बहुत कुछ होता है, तो एक ही चैनल पे एक ही वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो मेरे भाभी का चैनल है यूपी ब्लॉगर आराध्या, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ पर भी जाके देखिए भाई वो उनके देवर की तिलक की तैयारी कैसे कैसे हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, आ जाओ। डेकोर मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ मेरी भाभी के चैनल पे देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? आ जाओ। हाय मेरा प्यारा सा घर, अच्छा अच्छा भाग चलो। धूप लगा दे सारा सब कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रिपरेशन देखने को मिलेगी और तिलक के दिन क्या कुछ होता है वो देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगी, एक मेरे चैनल पे, एक भाभी के। तीसरी बार मैं बोल रही हूँ, यहाँ मैं सन लाइट में बैठी हूँ, धूप बहुत ज़्यादा लग रही, बहुत ज़्यादा, तो आँखें नहीं खुल रही हैं। बाद में बात करती हूँ, तब तक आप लोग देख लो कैसे सजाया जा रहा है। कौन है आप? कौन है? तुम्हारी भाभी जी। अच्छा, मेरी भाभी जी। और ये कौन है? वही ये कौन है जो तुमने उसमें कैप्शन डाला था? क्या डाला था? चश्मे वाला। क्या चश्मे वाला? जिसका चश्मा कौन है? तो वो चश्मा मेरा था। और ये नंदू डॉन है। ये कौन है? परिचय दो अपना, परिचय दो। आदर्श तिवारी। कहाँ से? गंगापुर। गंगापुर, ये कहाँ है? कौन से तिवारी? आदर्श तिवारी। आदर्श तो हो नहीं, किसी भी एंगल से आदर्शवादी नहीं लग रहे हो। हम आदर्श है, बाकी सारा उसके अपोजिट है। तो पता है, मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट मैं जैसे ही रूम में एंटर करी, यहाँ पर मेरे जेठ जी बैठे थे, यहाँ पर दीप बैठे थे, और मैं खड़ी होके देख रही हूँ, मुझे याद ही नहीं कि मेरे जेठ जी भी हैं। मतलब मैं जेठ जी को देख रही थी, फिर सडन याद आया कि अरे भैया, ये तो भाभी के पति देव है, सिर पे पल्लू लिया भाग गए। ये मेरी भाभी का बेडरूम है आराध्या का, और ये मेरा बच्चा है। चॉकलेट खा रहा हूँ कब से। दादी क्यों हो? ये मैं हूँ, देख लो क्या हालत हो गई है मेरी। पहले बताओ मुझे डांटती। आप बदमाशी करोगे तो डांटूंगी। भाभी ने रूम को बहुत अच्छे से सजाया है, डेकोर आपको उनके रूम में हो और सब देखने को मिलेगा। कितने बज गए हैं? 4:18 ही हो रहा है अभी, और बिल्कुल नहीं, अभी मैं ऐसे ही पड़ी हूँ। आज मेरे भाई का तिलक है और आप देख लीजिए मैं ऐसे टहल रही हूँ।
अभी तिलक चढ़ाने वाले ही नहीं आए हैं, एक्चुअली 5 बजे के बाद ही आएंगे, फिर जब वो लोग आ जाएंगे तब मैं जाके तैयार होंगी। अच्छा एक काम करो छोटू, ले जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो बाहर कब से। अभी जस्ट आपने देखा तिलक की प्रिपरेशन, इसका कुछ पार्ट मेरी भाभी यूपी ब्लॉगर आराध्या के चैनल पे है, जाके देख लीजिए। तिलक का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर वीडियो छोटा छोटा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। एक वीडियो मैं शाम में अपलोड कर रही हूँ तो जाके 2 दिन बाद हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कौन चाहता है आज 15 दिन हो गया है या फिर 12-13 दिन हो गया है प्रियादीप पे कोई वीडियो नहीं गया है, और इस चैनल पर भी 7 दिन बाद वीडियो गया है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास बेटा ज़रा आवाज़ कम करो, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे। सो करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।